पाकिस्तान को तो दहेज में दे दिया है आपने। हाँ चलो आरती उतारो, नारियल दो, टीका लगाओ इससे पहले कि वो लाहौर ले जाए। पार्ट टू आने वाला है 11 अगस्त और आपका बहुत अहम किरदार है उसमें। हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों इतिहास की सबसे बड़ी पिक्चर अनिल शर्मा जी ने बनाई थी 2001 में, जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा टिकट बिके थे, उसका नाम है गदर, एक प्रेम कथा, आज री रिलीज हुई है जी। हमारे साथ में है मनीष वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले इस री रिलीज पे आप क्या कहना चाहोगे? शब्द नहीं है। और देखिए लोग, मतलब ये री रिलीज है तो ये हाल है। आप मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहला ही शो है, प्रीमियर है और लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं, बट सच में लोगों ने देखा हुआ है। उसके बावजूद आपको ये पता है इसके बाद ये होना है। इतनी बार हमने टीवी पर देखी है, आज भी जब भी टीवी पर आ रही होती है तो हम जिस भी सीन पर हम रुक जाते हैं, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा लगेगा, ये सबके साथ ऐसा हुआ है, उसके बावजूद हमें पता है इसके बाद ये होना है, ये होना है, उसके बावजूद गूज़बम्स आते हैं एक एक शॉट देख कर, एक सीन्स देख कर। अनबिलीवेबल है। आज हम फर्स्ट डे फर्स्ट हो गए थे गिटी गैलेक्सी में। अच्छा। यस, और वहाँ कैसा रिस्पांस था? रिस्पांस था, इट वाज ह्यूमंगस। हम जैसी बाहर आए, हमारा फर्स्ट शो छूटा, सेकंड शो आज भी शुरू होने वाला था, एंड इतना ह्यूमंगस क्राउड देख के वी वर वेरी सरप्राइज कि माय गॉड कि लोगों को आज रिलीज हुई है, जैसे आज ही रिलीज हुई है और इतनी लंबी कतार लग गई। जी माय गॉड, दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर अस। एग्जैक्टली, पार्ट टू आने वाला है 11 अगस्त और आपका बहुत अहम किरदार है उसमें, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताओ। मैं इसमें मेन नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, गदर टू में। जैसे होता ना कि इसमें, इस गदर में अमरीश जी ने किया है विलन का रोल, तो उसमें मालिक के आशीर्वाद से मुझे वो रोल मिला है जो जनरल है पाकिस्तान का। मैं लुक रिवील नहीं कर सकता अभी आपको। ये ऐसा रोल है जो तकरीबन सारे एक्टर्स करना चाहते हैं। बहुत सारे मज़े हैं इसमें, बहुत सारे मुझे लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का पता नहीं। जैसे कहते हैं ना आपकी, एक ड्रीम रोल होता है एक फिल्म में एंटर करने के लिए, तो ये वो है। नेगेटिव रोल है आपका, आपने जैसे कहा है, और जैसे अमरीश पुरी जी का था पार्ट वन में जी, अभी पार्ट टू में हमने टीजर देखा जी, छोटा सा जो सरप्राइज दिया है अनिल शर्मा जी ने हमें, और उसमें एक डायलॉग था जी कि पाकिस्तान को तो दहेज में दे दिया है आपने। हाँ चलो आरती उतारो, नारियल क्या बोलते हैं, नारियल दो, टीका लगाओ इससे पहले कि वो लाहौर ले जाए। इस डायलॉग के पीछे की कुछ कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, नहीं, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बाय चांस की बात है, जो आपने लाइंस बोली हैं वो सीन मेरे साथ ही है और वो सीन मुझे ही सुनाया जाता है। बहुत अलग सीन है, बहुत मज़ेदार सीन है, तो गॉड इज काइंड, गॉड ब्लेस, देखिएगा मजा आएगा जरूर। एब्सोल्युटली, 11 अगस्त के लिए पब्लिक को भी काफ़ी इंतजार है जी। आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? सर सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे गदर को प्यार दिया है, गदर एक प्रेम कथा को प्यार दिया है, वैसे गदर कंटिन्यूस जो है कथा कंटिन्यूस, गदर टू को भी प्यार मिले और उनका सबका आशीर्वाद मिले। हमने बड़ी कोशिश की है, अनिल जी ने फिर से, सब ने बहुत मेहनत की है, और तकरीबन सारे कैरेक्टर्स आपने देखे हैं और इस बार मुझे भी थोड़ा सा absolutely. आपको पठान में भी देखा था, जी, छोटा कैमियो था, लेकिन बहुत पसंद आया था सर। जी थैंक यू। वो जो नेगेटिव रोल का इम्पैक्ट है वो आपको पर्दे पे क्रिएट करके जाते हो, वो जो टेंशन क्रिएट होना चाहिए आपके किरदार से होता है। थैंक यू एंड वी लव इट। थैंक यू बोलना चाहूंगा मनीष जी आपके प्रेशियस टाइम के लिए।